हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। तो जल्दी सभी लोग लाइव क्लास को शेयर कर दीजिए और सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए। इस क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास में जुड़ जाइए, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो क्लास में पढ़ा था वो पढ़ी थी आईयूपीएसी ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स की आईयूपीएसी पढ़ी थी। आज हम लोग एल्कीन और एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले आइए एल्केन के कुछ और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, बोर्ड अभी बंद है क्या? ऑन कर लेते हैं इसको, पहले बोर्ड को ऑन कर लिया जाए फिर पढ़ाया जाए। बोर्ड अभी तक बंद है, कोई बात नहीं। तो जल्दी से ऑन हो जाए भैया बोर्ड राजा, तब तक बच्चे जुड़ जाएंगे। चलो, जब तक बोर्ड ऑन होता है तब तक तुम शेयर शेयर थोड़ा सा खेलाओ, थोड़ा सा शेयर, थोड़ा सा शेयर, थोड़ा सा शेयर, सब जगह शेयर शेयर खेलाओ, सब बच्चे आ जाए, फिर बोर्ड नहीं स्टार्ट हुआ क्या? बोर्ड भी बड़ा शरारती है तुम लोगों की तरह। चलो ऑन हो जाए भैया बोर्ड, तब तक तुम लोग बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे। जब तक बोर्ड ऑन होता है आप सभी अपना हाल चाल बता दीजिए। बढ़िया ही होगे तुम लोग, आते पीते मस्त रहते हो और क्या, यही उम्र है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी ऑफ एल्कीन। उससे पहले, सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था? आईयूपीएसी ऑफ एल्कीन। तो जी हाँ मेरे बच्चों, आप लोगों ने सीखा था कि आईयूपीएसी ऑफ एल्केन कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें भाई प्रीफिक्स लिख देते हैं, फिर उसके बाद पेरेंट चेन में जितने भी कार्बन होते हैं नेम ऑफ कार्बन लिख देते हैं, और फिर उसके बाद एन वर्ड जोड़ दिया जाता, कुछ इस तरीके से आपका काम आगे बढ़ता है। अब इसके बाद देखिएगा, एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम लोगों ने भाई बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, और आज एक लास्ट एग्जाम्पल देख के इसको खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम बना लेते हैं भैया, बना लेते हैं CH3 CH CH CH3 C2H5 CH CH CH, और इसके बाद यहां पे भी लगा है C2H5, यहां पे भी लगा है CH3, यहां पे लग जाएगी क्या CH3, यहां पे लग जाएगा CH3। 2 3 4 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5, चलो देख लें। अब इसका हम लोगों को नामकरण करना है, तो सबसे पहले कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला चुनेंगे, 1 2 3 4 यहां से लगा दूं, 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये तो सबसे बड़ी श्रृंखला जो है बेटा वो 8 कार्बन की हमको दिखाई दे रही। तो ये सीधी श्रृंखला चुनने का कारण क्या होगा? क्योंकि भाई सीधी श्रृंखला में शाखाएं भी ज्यादा है, सीधी श्रृंखला में शाखाएं भी ज्यादा है और कार्बन की संख्या भी सीधी श्रृंखला में ज्यादा है, इसलिए हम सीधी श्रृंखला को वरीयता दे रहे हैं। नंबरिंग करा जाए, नंबरिंग 1 2 इधर से भी है, 1 2 इधर से भी है, 1 2 3 पे इधर भी लगा, 1 2 3 पे इधर भी लगा, 1 2 3 4 पे इधर भी लगा, 1 2 3 4 पे इधर भी लगा, चारों तरफ से एक समान है, चारों तरफ से एक समान है। बस दिक्कत ये है कि इधर जो है 3 पे क्या लगा है, इथाइल लगा है, और इधर 3 पे मिथाइल लगा है। तो दूसरे पे तो मिथाइल लगा सेम है, लेकिन तीसरे पे इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, इधर वाले को वरीयता दे देंगे क्योंकि इधर ई वाला है तीसरे पे। 4 5 6 7 और ये 8, इस तरीके से। अब इसके बाद नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले ई वालों का, एक ये है दूसरा यहाँ पे है, तो 3 पे है और 5 पे है क्या? डाई इथाइल, क्या मेरे भैया? 3 5 डाई इथाइल है। उसके बाद देखोगे तो, चलो देख लेते हैं, मिथाइल है 1 2 3, 3 लगाए, 2 6 7 और 3 बार लिखेंगे ट्राई मिथाइल, क्या लिख देंगे भैया? ट्राई मिथाइल। और उसके बाद ये बड़ो वाला ग्रुप कौन सा, ये जो बड़ो वाला ग्रुप है इसको देखो क्या हो जाए। हमने आपसे कहा था कि अगर कहीं पे R3C समूह होगा उसको अपन लोग नियो बोलेंगे, लेकिन बेटा यहाँ पे तो R तीनों समान है ही नहीं भाई, C से जुड़े हुए 3 R में से 2 R समान है। देखो
ये और ये सेम है लेकिन ये अलग हो गया, मतलब कि ये हमारा, मतलब कि ये हमारा क्या नहीं होगा, नियो नहीं होगा। जब नियो नहीं है इसको हम बोलेंगे टर्फ थ्योरी। क्या बोलेंगे? टर्फ थ्योरी। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा फोर पे, फोर पे लगा है टर्फ और पांच कार्बन है इसलिए पेंटाइल, टर्फ थ्योरी पेंटाइल, एक दो तीन चार पांच, तो ये हो जाएगा टर्फ थ्योरी पेंटाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आठ है, हो जाएगा ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए लिख देंगे एट, और ये इसका हो गया नाम। सपोज करो तुम लोगों को डैश नंबरिंग अच्छी लगती हो, तुम लोग डैश नंबरिंग के फैन हो, तो श्रृंखला के अंदर डैश नंबरिंग वन डैश टू डैश थ्री डैश, इस कंडीशन में इसका नाम क्या हो जाता, देखते हैं इस कंडीशन में इसका नाम क्या होता, यहां लिख देते हैं थ्री कॉमा फाइव डाई मिथाइल, ये सेम रहता। टू कॉमा सिक्स कॉमा सेवन ट्राई मिथाइल, ये सेम रहता। बदलता तो केवल कहां पे बेटा, चार पे, चार पे अंदर वन डैश कॉमा वन डैश पे दो बार लगा है डाई मिथाइल। देखो भाई चार में ये वन डैश में दो बार क्या लगा है, वन डैश लगा है डाई मिथाइल, ये तीसरी डाई मिथाइल, और तीन कार्बन का नाम है प्रोपाइल, तो ये हो जाता प्रोपाइल, और लास्ट में क्या लगा देते ऑक्ट सिंगल बॉन्ड ए, इस पर ये आपका हो जाता क्या प्रोपाइल ऑक्टेन। ठीक है, इस तरीके से इसका नामकरण हम लोग कर लेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आ गई सभी को, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग एल्कीन का देखेंगे। किसका देखेंगे भैया, एल्कीन का। ठीक है, IUPAC ऑफ एल्कीन। सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जैसे ही स्क्रीनशॉट ले लेंगे वैसे ही हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या भैया IUPAC ऑफ एल्कीन। तो सबसे पहला IUPAC ऑफ एल्कीन, एल्कीन का IUPAC नामकरण, नामकरण। चलो तो इसका नामकरण लिखने का जो रूल होगा वो तो तुम जानते हो, सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर बेटवा नेम ऑफ कार्बन, फिर बच्चों में क्या हो जाएगा ईन, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं ईन, बस इतना ही करना है इसमें। एल्कीन का जो सबसे छोटा वाला यौगिक है, जो सबसे पहला सदस्य है, वो होता है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, क्या होता है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, दो कार्बन है एथ हो जाएगा, है ना, और एथ हो जाएगा डबल बॉन्ड लगाए तो ईन, एथ ईन ये हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होता है एथिलीन, क्या होता है एथिलीन कॉमन नेम। इसी तरीके से सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच, क्या है भाई तीन कार्बन है प्रोप सिंगल बॉन्ड लगाए ईन, कॉमन नेम इसका क्या है प्रोपिलीन। फिर आपका चार कार्बन है सी एच थ्री सी एच सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच। अब इस तरह के यौगिक में देखेंगे भैया, जैसे ही चार कार्बन से, चार या चार कार्बन से ज्यादा होगा, तो जब चार या चार कार्बन से ज्यादा वाला यौगिक होगा तो वहां पे डबल बॉन्ड की दो पोजीशन पॉसिबल हो जाती है। देखो डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे भी हो सकता है, डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में फिर नंबरिंग करेंगे और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी कर पाएंगे, मतलब ये हो जाएगा इसका नाम अगर लिखेंगे तो ब्यूट और पहले पे लगाए ईन, तो ब्यूट वन ईन, या आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा वन ब्यूटीन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसका नाम हो जाएगा क्या भाई ब्यूट और ये वन कॉमा टू थ्री फोर, ये टू पे लगा है दूसरे वाले कार्बन डबल बॉन्ड ब्यूट टू ईन, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या ब्यूटीन टू, क्या लिख सकते हैं सॉरी टू ब्यूटीन या ब्यूटीन टू, जो भी आप चाहो लिख सकते हो, चाहे नंबर पहले लिख दो नाम बाद में, चाहे नाम पहले लिख दो नंबर बाद में, दोनों ऐसे ही इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी चार या चार कार्बन से ज्यादा आएंगे डबल बॉन्ड की पोजीशन दिखानी पड़ जाएगी, क्यों, क्योंकि फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन एक से ज्यादा संभव हो जाती। ठीक है, कुछ और यौगिक देते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच सी एस थ्री और यहां पे लगा है सी एस, इसका क्या हो जाएगा भाई कार्बन की चेन, चार कार्बन की चेन है वन टू, टू पे डबल बॉन्ड भी है, टू पे प्रीफिक्स भी लगा है थ्री फोर, इधर से नंबरिंग क्यों नहीं करेंगे, टू पे डबल बॉन्ड तो है लेकिन ये प्रीफिक्स तीसरे पे चला जाएगा, इधर से जाने पे प्रीफिक्स भी टू पे आ रहा है और डबल बॉन्ड भी टू पे, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। ठीक है, तो टू पे लगा है क्या मिथाइल और चार कार्बन का नाम है ब्यूट और टू पे लगाए इन, तो टू मिथाइल ब्यूट टू इन, ये इसका नाम हो जाएगा।
आप पूछोगे कि इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन माना जाएगा, तो ये वाला हमारे हिसाब से ज्यादा अच्छा माना जाएगा। भाई जो शब्द जिसके लिए प्रयोग हो रहा है उसके पहले उसकी नंबरिंग करता दो, तीन के पहले उसकी नंबरिंग, जैसे मिथाइल के पहले उसकी नंबरिंग, है ना। तो जो शब्द जिसके लिए प्रयोग हो रहा है उसके पहले उसकी नंबरिंग करता है, ये ज्यादा बेहतरीन तरीका है, ये तरीका ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इसको आप देखिए। ठीक है, CH3 CH2H5 CH3। चलो तो यहां देखोगे भैया, यहां से सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला कहां दिख रही है, 1 2 3 4 कार्बन की दिख रही है क्या तुम लोगों को? ऐसा लग रहा है 4 कार्बन की, नहीं 4 कार्बन की नहीं है। इधर से चले आओ, इधर से आओ तो क्या दिखेगा भाई, 5 कार्बन की श्रृंखला दिखेगी, क्यों? 2 कार्बन है यहाँ पे, तो 1 2 3 3 पे डबल बॉन्ड भी है, 3 पे क्या है, प्रीफिक्स भी है। इधर से 1 2 3 इधर 2 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे प्रीफिक्स है, तो इधर से डबल बॉन्ड पहले आ रहा, तो 1 2 3 4 एंड 5 5 कार्बन, तीसरे कार्बन को लगाए मिथाइल, 4 कार्बन सॉरी 5 कार्बन का नाम पेंट और 2 पे लगाए बेटा इन, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल पेंट 2 इन इस तरीके से। ठीक है, इसको नोट करेंगे, फिर और आगे कंपाउंड हम लोग देखते हैं, और आगे कंपाउंड देखते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके आगे चला जाए, इसके आगे देखा जाए, आ जाइए इसके आगे देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 C2H5 है यहां पे CH3। चलो इसका तुम लोग नंबरिंग नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला कितने की है, 1 2 3 4 5 6 की है क्या? नहीं ना, कितने की है, 7 की है, क्यों? इधर भी तो आओगी 7 कार्बन, 1 2 3 4 पे पड़ रहा डबल बॉन्ड, 1 2 3 पे पड़ रहा डबल बॉन्ड, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें 2 कार्बन है, 2 पे और 5 पे लगाए मिथाइल, तो 2 कॉमा 5 हो जाएगा डाई मिथाइल। ठीक है, टोटल 7 कार्बन, तो हो जाएगा हेप्ट, 3 पे लगाया गया बेटा इन। चलो आगे देखते हैं, चलिए इस कंपाउंड को देखेंगे, इस यौगिक को देखेंगे, तो इसमें तो कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला 6 कार्बन की ही दिखेगी, कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला 6 कार्बन की ही दिखेगी। ठीक है, नंबरिंग इधर से करेंगे ये बात आएगी, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड इधर से भी आ रहा, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड इधर से भी आ रहा, लेकिन कौन सी सही मानी जाएगी, याद करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला, प्रीफिक्स इधर भी 3 पे है, प्रीफिक्स इधर भी 3 पे, लेकिन इसका नाम शुरू होता है ई से, इसका नाम शुरू होता है एम से, तो ये वाली नंबरिंग ज्यादा अच्छी मानी गई, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 जिधर से अल्फाबेट वाला पहले आ जाएगा, तो 3 पे लगाए क्या एथाइल और 4 पे लगाए क्या मिथाइल, 6 कार्बन का नाम एक्स और 3 पे लगाए बेटा ईन, ये ठीक इस तरीके से बात समझ में आ रही होगी सभी को, नोट कर लीजिए इसको भी। तो फिर एक कंपाउंड आपके लिए हम देते हैं, उसका आप कोशिश करिए। चलो चलिए ये कंपाउंड आपके पास है, ठीक है, इसका नाम आपको लिखना है, तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला पे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर आने पर 8 मिल जा रही ना, C2H5 मतलब 2 कार्बन, तो इधर जाओगे तो 8 मिल जाएगी। नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है, इधर से 2 पे आ रहा ना, नंबरिंग यही वाली सही मानी जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
से ए भी है और ये एम से है, तो पहले ई वाला पी पे लगाए इथाइल तीन सॉरी पांच पे और छह पे, फाइव कॉमा सिक्स लगाए डाई मिथाइल, ठीक बेटा। और आठ कार्बन का मतलब ऑक्ट, अब ध्यान दीजिएगा डबल बॉन्ड दूसरे पर भी है और डबल बॉन्ड पांचवे पर भी है। कुछ लोग कहेंगे सर तीसरे पर क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि बेटा जिधर से जाओगे उधर ही से जोड़ना है, घर में जाओगे तो घर जाते ही पहले दरवाजा खोलोगे तब अंदर घुसोगे, ऐसा नहीं कि दरवाजा बंद है तुम अंदर घुस गए हो, तो फिर भूत हो सकते हो तुम, या तो कोई तुम्हारे पास जादू होगा, कलाकार हो सकते हो, वो अलग बात है। लेकिन जब हम इधर जा रहे हैं तो पहले यही टकरा है ना, तो पहले इसी के लिए बोलेंगे कि तुम्हारा है। और टू कॉमा फाइव और दो बार आए तो इसके पहले भी लिखेंगे डाइन, क्या लिखेंगे बेटा डाइन, क्या बोलेंगे डाइन, क्या बोलेंगे डाइन, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, चलो नोट करो इसको जल्दी से, नोट कर लो इसको जल्दी से, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि बात करते हैं, एक और कंपाउंड लेते हैं, एक आखिरी कंपाउंड, कुछ इस तरह का कंपाउंड, जो आपने देखा नहीं होगा, जो आपने सुना भी नहीं होगा, ये आपके पास एक साइड ग्रुप आएगा। चलो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चर्चाएं हम यहीं पे होगी। सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे भी जाओगे आठ कार्बन की श्रृंखला मिलेगी। लेकिन आप जब सीधी श्रृंखला में जा रहे हैं तो आपको श्रृंखला चेन की संख्या ज्यादा मिल रही है, इधर भी डबल बॉन्ड था इधर भी डबल बॉन्ड, तो आप इधर भी अगर इधर डबल बॉन्ड ना होता, डबल बॉन्ड इधर की ओर रहता तो हम इधर मुड़ जाते, लेकिन डबल बॉन्ड इधर भी है डबल बॉन्ड इधर भी है तो हम सीधी श्रृंखला में चले जाएंगे, ठीक है। ये साइड ग्रुप बन जाएगा। तो बाकी सबका नाम तो आप लिखना जानते हो, जैसे इसका नाम आप लिखना जानते ही हो, कैसे लिखा जाता है भाई, इसका नाम लिखते हैं क्या, नंबरिंग की तरफ करोगे, सबसे बड़ी बात ये। तो डबल बॉन्ड इधर पहले कही तो इधर नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये इथाइल कहां पे लगा, 6 पे लगा इथाइल, और ये सब है मिथाइल। लेकिन सबसे बड़ी कहानी जो हम आपको बताना चाहते हैं, इसका नाम, इसका क्या नाम होगा। तो बेटा जब साइड ग्रुप में डबल बॉन्ड आ जाता है, क्या जाता है, साइड ग्रुप में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो देखो अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता तो इसका नाम क्या लिखा जाता, मान लो साइड ग्रुप नहीं है CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या लिखा जाता, इसका नाम लिखा जाता एथीन ना, यही तो लिखा जाता। अब अगर यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिया हमने और यहां पे क्या लगा दिया सिंगल, इसको साइड ग्रुप बना दिया, तो यहां से कुछ करना नहीं है भाई, जो ग्रुप प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होगा उसके लिए आपको एक कल तरीका बताया था कि उसमें कार्बन की संख्या का नाम लिखकर YL लगा देते हैं, तो ये क्या था एथीन था ना, तो बस इसके नाम के लास्ट लगा दो एथीनाइल, क्या हो जाएगा ये एथीनाइल हो जाएगा, तो मतलब ये इससे पहले आ जाएगा, तीन पे लगा दिया एथीनाइल, एथीनाइल क्यों इससे पहले आएगा, चौथे वाले पहले कौन आ रहा उसको पहले नाम लिखेंगे उसका नाम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर मिथाइल मिथाइल बचे 2, 5 और 7 2, 5, 7 ट्राई मिथाइल, टोटल कार्बन है 8 और अब देखो डबल बॉन्ड 1 पे लगा है, 3 पे लगा है, 4 पे लगा है और 6 पे लगा है, 4 बार आ गया, कितने बार आ गया भैया 4 बार डबल बॉन्ड आ गया,
इसको क्या कहेंगे? टेट्रा। क्या कहेंगे? टेट्राइन। क्या बोलेंगे भैया? टेट्राइन। ये आपका हो गया नाम, टेट्राइन, टेट्राइन ये आपका नाम। बात समझ आ रही? नोट करो इसको जल्दी से, ठीक है। तो ये साइड ग्रुप जो होंगे भाई, डबल बॉन्ड है तो इन लगा के वाई एन लगा दोगे, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आइन लगा के वाई एन लगा दोगे, बस इतना करना होता है। जैसे हम एक और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, सपोज करो एक ग्रुप ऐसा है, यह आपके पास कंपाउंड है, ठीक है। यह आपके पास कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी है 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी है। सीधी श्रृंखला को वरीय कर देते हैं, नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 पे डबल बॉन्ड है, इधर से 1 पे डबल बॉन्ड, इधर से नंबरिंग करेंगे 5 6 7। इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो देखना है, ध्यान देना है। तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले देखेंगे भाई, ये क्या है, इथाइल है, 5 पे लगा इथाइल है, फिर उसके बाद 4 पे लगा मिथाइल है, क्योंकि इसमें ये 3 कार्बन दिख रहे हैं, 3 कार्बन पी से ही शुरू होगा, प्रो पिछले इसको लास्ट में ले जा रहे हैं। फिर 4 पे लगा, 4 पे लगा क्या बेटा, प्रो पी नाइल। क्या लगा है? 4 पे लगा है प्रो पी नाइल। अगर आपको ये कंफ्यूजन है, अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि भाई इसकी पोजीशन भी तो चेंज हो सकती है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, तो आप डैश नंबरिंग कर सकते हो। कैसे डैश नंबरिंग करोगे? इसकी डैश नंबरिंग कर देंगे 1-2-3। तो यहां लिखेंगे 4, यहां लिखेंगे क्या 4 के अंदर, 4 के अंदर क्या 4 टॉप 2 पे है ना, तो 2 पे लगा इन फिर आइन, इस तरीके से इसका नाम लिखते और फिर आगे बढ़ते क्या, 7 कार्बन का नाम हिफ्ट, और हिफ्ट के बाद लिख देते भाई 1.5 diene, 1.5 diene। समझ में आ रही बात, ये करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कंफ्यूजन लगता है कि भाई कैसे करेंगे यहाँ पे नाम, आप डैश भी कर सकते हो पोजीशन दिखाने के लिए, ये 2 पे लगा है, इधर से नंबरिंग करेंगे भाई, ये यहाँ पे लग जाता तो 1 पे हो जाता, पोजिशन ऐसे भी तो हो सकते थे, ठीक है। ये तो इतनी चीजें आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं हम, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अगला देखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, CH3। CH3, CH2, CH3। ये आपके पास कंपाउंड है, इसका नाम आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी जाने पे 8 मिल रहा, इधर भी आने पर 8 मिल रहा, लेकिन अगर हम इधर आए तो हमको डबल बॉन्ड मिलेगा, इसलिए हम इसको ही वरीयता में रखेंगे और ये वाली चेन अपनी बड़ी चेन चुनेंगे, ठीक है। नंबरिंग 1 2 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड, इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा, 5 6 7 8। प्रीफिक्स का नाम ये एम से है, ये पी से है, क्यों? 3 कार्बन दिख रहे हैं, एम वाले 5.6 dimethyl, 5.6 dimethyl ये हो जाएगा। और इसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो ये 3 पे क्या है भाई, 3 पे लगा है आइसोप्रोपाइल, 3 पे क्या लगा है आइसोप्रोपाइल, ठीक है, 3 पे लगा है आइसोप्रोपाइल, और 8 कार्बन का नाम है ऑक्ट, फिर बेटा 2 पे लगा है और कहां पे लगा है, 4 पे लगा है क्या डाइइन, 2 पे लगा है और 4 पे लगा है क्या डाइइन, इस तरीके, ठीक है। जल्दी इसको नोट करेंगे सभी बच्चे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तुरंत, जल्दी सभी लोग इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चले, हो गया। तो आइसोप्रोपाइल था, आइसोप्रोपाइल नहीं लिखना था, तो यहां 1-2 कर देते, 1-2, यहां पे 3 की जगह क्या लिख जाता, 3 पे 1- पे लगाए मिथाइल और फिर क्या हो जाता इथाइल। तो भाई इसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको आइसो नहीं लिखना है तो फिर आप ये वाला यूज कर लीजिए नाम इसकी जगह 1- यूज करके, कल बताया था इसके बारे में, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। अब एक और लास्ट देखेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे कहां पे, ये आपके पास है, ठीक है। चल अब इसका देखें, सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2-3-4-5-6-7, 1-2-3-4-5-6-7, 8 कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला मिल रही है। इधर सीधे भी 8 मिल रही है और ऐसे भी 8 मिल रही है, लेकिन सीधे जाएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर जाएंगे तो डबल बॉन्ड छूट जाएगा, डबल बॉन्ड वाले को ले लेते हैं। नंबरिंग 1-2 पे डबल बॉन्ड इधर भी, 1-2 पे इधर भी, लेकिन इधर साइड चेंज भी काफी लगी हुई है तो नंबरिंग इधर से की जाएगी, 1-2-3-4-5-6-7-8। अब नाम ये इथाइल, ये इथाइलीन, ये आपका 1-2-3-4-5, पी ए एम है, तो पहले इथाइल नाइल है ना, ये इथी नाइल, चलो देखते हैं, 5 को लगाया एथी नाइल, ये हो गया, 3 पे लगाया क्या एथाइल, ये हो गया, 2 पे लगाया क्या मिथाइल, ये हो गया। फिर उसके बाद आप देखो सी से लगे हुए एक ग्रुप अलग है, 2 ग्रुप समान है, तो इसको क्या हम नियो कह सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे टर्सियरी। तो चलो लिखते हैं, 4th पे लगाए टर्सियरी पेंटाइल, क्या लगाए टर्सियरी पेंटाइल, और उसके बाद 8 कार्बन है तो 8 कार्बन का नाम ऑफ, 1 डबल बॉन्ड 2 पे है, 1 डबल बॉन्ड 6 पे है, तो ऑफ डाइईन, ऑफ 2.6 डाइईन, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको भी, नोट कर लीजिए। तो फिर ट्रिपल बॉन्ड पे चलते हैं, ठीक है, कहां पे ट्रिपल बॉन्ड, चलिए तो चलते हैं ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर अपन लोग, आ जाओ। आईयूपीएसी ऑफ एल्काइन, सबसे पहले क्या रूल होगा, प्रीफिक्स प्लस नेम ऑफ कार्बन, लास्ट में लगा देते हैं आइन, प्रीफिक्स प्लस नेम ऑफ कार्बन, लास्ट में लगा देते हैं आइन। सबसे छोटा कंपाउंड इसका CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा आइन, एक फाइन, ठीक है, 3 कार्बन हो जाएगा प्रोप आइन, इसका कॉमन नेम क्या होता है एसिटिलीन, प्रोप आइन हो गया, इस तरीके से। 4 कार्बन देखा जाए, पहले इसी में कुछ और कर सकते हैं, नहीं इसमें कुछ और नहीं कर सकते, जब 4 कार्बन आएगा तो 2 पोजीशन संभव हो सकती है जिस तरीके से, तो नंबरिंग करनी पड़ेगी 1-2-3-4, 1-2-3-4, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 2 पे लगाया क्या आइन, या ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन, और ये क्या 4 कार्बन है ब्यूट,
वन पे लगाए आइन, ब्यूट वन आइन, ब्यूट टू आइन, इस तरीके से। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आगे देखा जाए CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, कुछ इस तरीके से। यहां से सबसे बड़ी श्रृंखला 1, 2, 3, 4, तीन पे लगाया क्या मिथाइल, फिर आपका कितने चार कार्बन दो ब्यूट, वन पे लगाया क्या आइन, ठीक इस तरीके से। बात समझ में आ रही होगी। CH3, इसका नाम लिखोगे तो पांच कार्बन की मुख्य श्रृंखला 1, 2, 3, 4, 5, थ्री पे लगाए क्या मिथाइल, और बड़े हो जाएगा पेंट, और वन पे लगाए आइन, इस तरीके से। चलो इसको नोट करो जल्दी सभी बच्चे, फिर हम लोग आगे कहानी को समझते हैं। ठीक है, जल्दी सभी लोग इसको नोट करो, फिर आगे कहानी को समझते हैं। चलो हो गया स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे बढ़ते। CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी नंबरिंग करेंगे। सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला, अब देखो इधर जाने पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन इधर जाने ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो ये सीधी हम लेके चले जाएंगे। ठीक है, 1, 2, 3 नंबरिंग उधर से करेंगे, 4, 5, 6, 3 पे क्या हो जाएगा एथीन नाइल, ये हो जाएगा। 3 पे क्या लगा है मिथाइल, ये हो जाएगा। 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा, 1 पे है, और 5 पे है क्या डाई आइन, क्या है डाई आइन, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड का। चलिए एक और देखते हैं एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले का। चलो CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, CH2। चलिए इसका नंबरिंग, सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला ऐसे ही जाएगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर भी, ट्रिपल बॉन्ड उधर भी, वही वाली इनका रहेगा। 1 पे इधर भी, 1 पे इधर भी, इधर 1, 2, 3 पे प्रीफिक्स है, 1, 2, 3, 4 पे, इधर से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे। ये आइसो प्रोपाइल है, ये नियो ब्यूटाइल है, बी से शुरू हो रहा ना, तो इसको पहले लिखेंगे, क्योंकि नियो नहीं देते, देखते हैं, देखते हैं मेन कार्बन का नाम, तो बी से शुरू हो रहा ब्यूटाइल, पी से शुरू हो रहा, ये पी से शुरू होगा, तो तीन पे लगेगा आइसो प्रोपाइल, ये लगेगा। और फिर टोटल कार्बन 7 हैं, तो हेप्ट 1 पे लगाए और 6 पे लगाए डाई आइन, ये इसका नाम हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का क्या कर लेंगे, आसानी से नामकरण बेटा कर लेते हैं। तो आज जो है, आज हमने एल्कीन का और एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ा। आपको भी अपने से कई सारे कंपाउंड बना के, इस तरह के कंपाउंड बना के अपने से प्रैक्टिस करिएगा। तो कल के लेक्चर में, कल के लेक्चर का आप जो अगला लेक्चर आएगा मंडे को, उस लेक्चर में हम लोग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का एक साथ करेंगे, और फिर क्रियात्मक समूहों का नामकरण शुरू कर देंगे, क्रियात्मक समूहों का आईयूपीएसी नामकरण करना शुरू कर देंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो जो भी चीजें होंगी फिर अगले क्लास में हम लोग इसके ऊपर सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। अच्छा हाँ, एल्केन, एल्केन, एल्काइन तीनों चीजें आपने पढ़ ली है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिए होंगे, या आपके पास कोई रेफरेंस बुक दी होगी तो उसमें दिए होंगे, तो उन सारे क्वेश्चन को अपने से लगाइएगा। ठीक है, जो नई क्वेश्चन आएंगे अगर आप लिख सकते हो उसको,
तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, नहीं तो फिर लाइव क्लास में जो है आप बता दीजिएगा, उस तरह से हम आपको उस डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की बात यहीं तक समाप्त करते हैं और आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय।